गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी। आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं? ओके, सो हर्षल, सी आई विल टेक 10 मिनट्स टू रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस। आई एम नॉट हियर टू रन अवे फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। मैं तुम सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है? सो जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट, आई विल गो थ्रू दीज। सो आपके आपका रिप्लाई नहीं आया, हाउ टू एनरोल। सी आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना जल्दी भर जाएगा, बट देन आई हैड टू थिंक ऑफ दिस थिंग कि अगर मैं आप लोगों से, इफ आई एम कीपिंग इट एज अ चार्ज्ड कोर्स, देन आई हैव टू गिव माई बेस्ट इन इट। बट इफ आई वर्क अलोन और अलोन और मे बी विद सर, सो देन आई वॉन्ट बी एबल टू हैंडल अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? सो कोई मतलब नहीं है अगर मैं आप लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को एनरोल करा लूँ और मैं वो चीज़ें प्रोवाइड ना करूँ, देन देर इज नो पॉइंट, ठीक है? तो इसलिए आई केप्ट अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट। अंजलि, सी दिस इज, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन मेलिंग मी टेलिंग मी दैट दिस हैज बीन अनफेयर, बट देन आई विल टेल यू हाउ दिस हैज नॉट बीन अनफेयर, ओके? सो आई न्यू आई वुड बी डूइंग दिस टुडे 10 AM पे। तो वट आई डिड येस्टरडे इवनिंग वॉज, आई हैड पुट अ मैसेज ऑन द ग्रुप इन द इवनिंग इट सेल्फ कि जो लोग जल्दी सो जाते हैं वो भी वो चीज़ देख लें, तो जो लोग देर से सोते हैं वो भी उस मैसेज को देख लें। एंड दैट मैसेज क्लियरली स्टेटेड दैट इफ यू मिस इट, यू मिस इट। सो इसलिए मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो लाइव। आई हैड क्लियरली स्टेटेड दैट बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट टू बी अनफेयर, मुझे नहीं अनफेयर होना था, इसलिए मैंने वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया था अगर आपने वो मैसेज पढ़ा हो तो, ओके? एंड दैट मैसेज वाज नॉट लेट एट नाइट की 11-12 बजे नहीं था, सो इट वाज क्वाइट एट अ डिसेंट टाइम दैट आप लोग वो लाइव देख सकते थे। सो पीपल हु सॉ इट लाइव दे एनरोल्ड फॉर इट। इट वाज नॉट अनफेयर एज पर, लाइक इफ यू स्टिल थिंक इट वाज अनफेयर देन प्लीज लेट मी नो हाउ। गुड इवनिंग। सो पूजा, इफ यू नॉट कीपिंग वेल टेक अ रेस्ट फॉर फ्यू डेज, बिकॉज अभी टाइम है थोड़ा सा, यू कैन मैनेज टेकिंग रेस्ट एंड देन गेट बैक टू योर स्टडीज अगेन। विशाल, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बींग ऑन टाइम। गुड इवनिंग आरती, अंकित, एवरीबडी गुड इवनिंग। ओके, सो समबडी हैज बीन, गलत है फिर भी दीप्ति, हाउ, जस्ट टेल मी हाउ इज इट रॉन्ग, प्लीज टेल मी हाउ इज इट रॉन्ग। आई एम हियर टू लिसन टू यू, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, I'm just here to listen to you. Just tell me how is it wrong? I had informed everybody. मैंने उन 30 लोगों को अलग से तो inform नहीं किया. I did not go to them and अलग से मैंने उनको inform नहीं किया. I had put the same text for everybody in the group, and I had put the same video on the internet for everybody. So it was, and also I don't intend to be partial to anybody, right? Hi Ankit, Brijesh, Ayush, Saurabh, everybody, hello. सो माई इंटेंशन वॉज नॉट टू बी अनफेयर टू एनीबडी, क्योंकि सेम मैसेज सबके लिए डाला, सेम लिंक सबके लिए ओपन किया एंड सेम वीडियो सबके लिए डाला, ओके? आई, दिस चैनल इज नॉट दैट बिग अ चैनल दैट आई कुड हैव कंडक्टेड एन एंट्रेंस टेस्ट। ओब्वियसली IIT JEE और उस टाइम पे AIPMT टाइम पे जब वो चीज़ें होती थी कि एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा के चीज़ें करा रहे हैं, वो चीज़ मैं नहीं करा सकती। आई जस्ट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का आई एम ट्राइंग टू मेक द बेस्ट यूज, ठीक है? तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, सी इफ यू कैन, अब मैं लैंग्वेज तो जाके नहीं सीख सकती, राइट? आई कैन नॉट लर्न हिंदी, जितनी आती है उतनी आती है, उससे ज्यादा नहीं आती। अब मैं क्या करूँ उसके लिए, ठीक है? अब मैं उसके लिए जाके एक स्पेशल हिंदी का कोर्स करके नहीं आ सकती। तो इफ यू कैन मैनेज विद माई इंग्लिश, थोड़ा बहुत जितना मैं इंग्लिश हिंदी करके बोल लेती हूँ, अगर वो जैसे क्लास में बोलती हूँ, सो इफ यू कैन मैनेज दैट देन यू कुड हैव एनरोल्ड, ठीक है? देन यू कुड हैव एनरोल्ड, वी कुड हैव मैनेज्ड इट। बट अगर हिंदी की बात करूँ तो आई कैन नॉट स्पेसिफिकली लर्न हिंदी। और अगर मैं कोर्स ओपन कर दूँ, चलो मान लो कल सुबह मैंने कोर्स ओपन कर दिया कि लाइक दिस कोर्स इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, और मैं हिंदी में समझा ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है? हिंदी में मैं तुम्हें समझा ही नहीं पा रही हूँ, तो उसका मतलब क्या? इट्स जस्ट दैट आई विल बी टेकिंग योर मनी एंड वुड नॉट बी गिविंग यू एनीथिंग, एंड दैट इज नॉट वॉट आई वॉन्ट, ठीक है? तो अब हिंदी नहीं आती, जितनी आती है उतने में मैं इतना पढ़ा देती हूँ, सो उतना पॉसिबल है, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो बताओ, ऐसा नहीं है दैट आई वोंट बी टेकिंग क्लासेस हियर, मैं यहाँ ले तो रही हूँ क्लास, अगर क्लास नहीं लेनी होती तो मैं अभी भी यहाँ क्यों होती? जस्ट टेल मी दैट।
अंजलि सी, अब दैट इज नॉट माई फॉल्ट, राइट? मैंने तो सबके लिए डाला, इसलिए मैं तुम लोगों को हमेशा बोलती हूँ कीप ऑन चेकिंग टेलीग्राम, कीप ऑन चेकिंग टेलीग्राम। उस ग्रुप को मत म्यूट रखो यार, ठीक है? अब आई डोंट नो, पीपल हैव बीन टेक्सटिंग मी कि मैम सीट्स बढ़ा दो। मैं सीट्स बढ़ा दूंगी, चलो तुमने बोला मैंने सीट्स बढ़ा दी, मैंने अभी 30 की जगह 100 सीट्स कर दी, ठीक है? बट वॉट इफ आई एम नॉट एबल टू गिव यू अप टू वॉट योर एक्सपेक्टेशंस आर। मैंने अभी सीट बढ़ा दी, चलो मैंने बोल दिया 100 लोग एनरोल हो जाओ, तुम 70 और ज्वाइन हो जाओ, देन तुम लोगों को प्रॉपर अटेंशन, देखो वन टू वन गाइडेंस नहीं मिलेगा, मैं कितने लोगों से जूम कॉल करूंगी, राइट? आई कांट डू दैट। वन टू वन गाइडेंस नहीं मिलेगा, एनालिसिस प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो फिर उसका मतलब क्या है? जस्ट टेल मी दैट। सैयद शारिक हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टिकर, फॉर योर, ओ वाओ, दैट्स सच अ स्वीट ब्लू कलर, आई लाइक इट। सब थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सो मच। ओके, सो फीलिंग नॉट गुड, आई गेट इट। सी आई एम नॉट रनिंग अवे, समझ लो अभी तक यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी वही चीज़ें चल रही हैं आपके लिए। मैं अभी भी तुम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। ओके, हर्षल इज सेइंग कि इट्स अनफेयर बिकॉज वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सी टू डेज बैक आई हैड गिवन एन अनाउंसमेंट दैट आई विल बी डिक्लेयरिंग समथिंग, सेइंग समथिंग, मेकिंग एन अनाउंसमेंट विद इन 2 डेज। बिफोर मेकिंग द अनाउंसमेंट आई हैड गिवन अ मैसेज एंड सबके लिए सेम था यार, मैं क्या करूँ? जस्ट टेल मी व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई कैन इंक्रीज द सीट्स, यू वॉन्ट मी टू डू दैट? आयुष, यू वॉन्ट मी टू इंक्रीज द सीट्स? आई वॉन्ट बी एबल टू टेक वन टू वन गाइडेंस, आई वॉन्ट बी एबल टू गिव यू प्रॉपर एनालिसिस। वो जो क्वेश्चन उनको मिलेंगे वो क्वेश्चन मे बी मैं तुम लोगों को दे दूँ और एक आध दो चीज़ें और हो जाए, बट देन इतने सारे लोगों को कैसे हैंडल करूंगा? नहीं करूंगी, देन यू विल कम टू मी कि मैम आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिकाना नहीं किया, देन दैट वुड बी दिक्कत ना। अजीत, काइंडली हेल्प इज इक्वली, इफ दैट इज वॉट यू आर टेलिंग मी हियर, तो मैं पिछले 1-1.5 महीने से आई वुडेंट हैव बीन डूइंग दिस हियर, ओके? आई वॉज नॉट पार्शियल टू एनी बडी, यू कैंट बी दैट रूड टू मी, ओके? यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई हैवेंट बीन पार्शियल टू एनी बडी, एंड ऑल्सो माई इंटेंशन वॉज नॉट टू बी पार्शियल। सेकेंडली, इफ आई वुड हैव टू सेग्रीगेट पीपल, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं पढ़ा रही होती, और मे बी इफ आई हैड टू नॉट बी इक्वल, तो मैं पहले दिन से ही इक्वल नहीं होती, ओके? सो आई थिंक इतना तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेट्स गेट बैक टू द क्लास एंड लेट अस नॉट स्पेंड मोर टाइम हियर। क्या करना है क्या नहीं करना है, आई सी वंस अगेन इफ दैट इज पॉसिबल, बट देन आई वोंट बी एबल टू मैनेज। तुम लोगों के सामने साफ साफ बोल रही हूँ यार, बाद में तुम लोग बोलोगे कि यू चार्ज एंड यू नॉट गिवन अस इक्वल अटेंशन, और वो तो वो भी दिक्कत की बात है ना। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, ठीक है? ऑलरेडी अ लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक सेंट मी अ लॉट ऑफ मैसेजेस विच वर नॉट गुड, सो आई डोंट वॉन्ट दैट। ओके, एंड एग्जैक्टली, आई कांट, आई एम अ ह्यूमन, आई कांट जस्ट मेक एवरीबडी हैप्पी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो इन द प्रीवियस क्लास वी रेड अबाउट, क्या क्या पढ़ा था हमने, किसी को याद है कि क्या पढ़ा था, या सब भूल गए इस चक्कर में? टेल मी कुछ याद है क्या पढ़ा था, या कुछ भी याद नहीं है? ऑल्सो इतना गुस्सा मत दिखाओ यार, थोड़ा सा शांति रखो, क्यों इतने हर्ट हो गए तुम लोग? कोई मेरा हर्ट करने का इंटेंशन तो था नहीं, दिस इज नॉट वॉट आई वॉज वॉन्टिंग, आई वॉज जस्ट वॉन्टिंग टू बी फेयर, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे लगा। इफ आई वुड हैव हैड सम स्पेशल लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स दोस 30, मैं उन 30 को पहले ही ऐड कर लेती ना, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों डालती हूँ सारी चीजें, नहीं डालती, ठीक है? तो एंड ऑल्सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद माई क्लासेज हियर, आई एम ऑल्सो देयर फॉर द डिस्कशन ग्रुप, यू कैन मेल मी फॉर एनी डाउट्स। क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, जस्ट वर्क हार्ड एज यू वर डूइंग, ओके? ओके, मौर्य डायनेस्टी नहीं पढ़ी थी दीप्ति, मौर्य पढ़ना था, ओके मौर्य पढ़ना था, ठीक है, सॉरी। अब हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे, वेलकम बैक हेमंत।
ओके सो अब हम बात कर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी की। कुछ कहानी सुनेंगे और उसके बाद कहानी से चीजों को समझेंगे। तो भाई एज पर श्रीलंकन क्रॉनिकल, श्रीलंका की एक क्रॉनिकल के हिसाब से, एक किताब समझ लो, एक सेट ऑफ स्टोरीज के हिसाब से, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, उनके पापा की डेथ एक बैटल में हो गई थी। अब जब उनके फादर की डेथ एक बैटल में हो गई थी, उस टाइम पे उनकी जो मदर थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उनकी मदर एस्केप्ड, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मदर वहां से भागी, एंड शी वेंट टू पुष्पपुर, विच लेटर बिकेम पाटलिपुत्र। ठीक है, जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, वो पुष्पपुर, वहां पर शी एस्केप्ड। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां पर पाटलिपुत्र में आप जानते हो कि नंद रूलर्स वर रूलिंग, तो यहाँ पे जब हम नंद रूलर्स पढ़ रहे थे, वी सॉ द लास्ट रूलर एज धनानंद, और धनानंद को मैंने तुम लोगों को अगर याद हो तो बताया था कि वो धन के मोह में था। ही वॉज ऑल्सो लालच फॉर, ही वॉज ऑलवेज लालची फॉर धन। ठीक है, हर बात पे उसको धन 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 ही चाहिए होता था। ओके सो व्हाट हैपेंड कि ये यहाँ पे एक बहुत ही, इसका एक टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रांग था, जिससे ही यूज टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ मनी, लगातार टैक्सेस 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 कलेक्ट करता था, और प्रेस कर करके ये टैक्सेस कलेक्ट करता था, फोर्सफुली टैक्सेस कलेक्ट करता था। ठीक है, जिस कारण से सोसाइटी एक टाइम के बाद उससे काफी परेशान हो गई। ओके द सोसाइटी स्टार्टेड बिकमिंग डिससैटिस्फाइड और काफी परेशान हो गई। सो व्हाट हैपेंड, स्टोरी में थोड़ा सा ब्रेक लाके दूसरी जगह आते हैं। एक बार सम इंस्टेंस अकर्स, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है, ठीक है, ही टेंड्स टू ऑफेंड धनानंद, किसी बात से वो धनानंद को ऑफेंड कर देता है। धनानंद उस टाइम का रूलर था वहां का। ओके, धनानंद काफी गुस्सा हो जाता है, धनानंद ऑर्डर्स कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को मारो। जब सारे सिपाही सोल्जर्स वगैरह चंद्रगुप्त मौर्य को जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वहां से फरार हो जाते हैं। तो बेसिकली अब हम तीन स्टोरीज देखेंगे। एक मैंने बताया अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि उनकी उनके फादर की डेथ बैटल में हो गई थी, उनकी मदर एस्केप करके पुष्पपुर आई, देन धनानंद को उनने किसी तरीके से ऑफेंड कर दिया, धनानंद ने ऑर्डर दिया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को मारिए, और चंद्रगुप्त मौर्य वहां से फ्लेड कर गए। ओके नाउ नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द सेकेंड स्टोरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ चाणक्य या फिर कौटिल्य, या हम इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, दिस इज द सेकेंड स्टोरी। हम तीन लोगों की स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक की स्टोरी अभी हमने खत्म करी, नाउ विल बी फोकसिंग ऑन द सेकेंड स्टोरी विच इज चाणक्य का स्टोरी। सो चाणक्य जब पैदा हुए थे, यानी कि कौटिल्य जब पैदा हुए थे, तो ही हैड अ सिंबल ऑफ अ स्नेक ऑन हिज टूथ, उनके दांत में एक सांप का सिंबल था। अब किसी दिन एक एस्ट्रोलॉजर घर पर आए, उनकी मम्मी से मिलने, उनने चाणक्य को देखा, एंड देन चाणक्य चले गए, तो उनकी मम्मी को उनने बताया जो एस्ट्रोलॉजर थे कि आपका बेटा या तो बड़े, जैसे सबके घर में एस्ट्रोलॉजर हाथ वाथ दिखाने का काम चलता रहता है ना, कि इतने साल में नौकरी लगेगी, इतने साल में शादी होगी, ये होगा, फलाना ठिकाना, तो तब से चलता आ रहा है। तो चाणक्य को देखकर चाणक्य की मम्मी से वो एस्ट्रोलॉजर बोले कि आपका बेटा आगे चलकर या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा मिनिस्टर बनेगा। ये सुनकर उनकी मम्मी रोने लगी, शी इज लाइक राजा बनेगा, लड़ाई करेगा, वॉर वगैरह में जाएगा, और इसकी डेथ हो जाएगी, मम्मी लोग एक्स्ट्रा सोचती हैं, वैसा वो उनकी माता जी भी सोचने लगी। सो व्हाट हैपेंड व्हेन चाणक्य सो अपनी मम्मी को रोते हुए कि भाई मम्मी आप क्यों रो रही हैं, उनकी मम्मी ने जब उनको रीजन बताया, तो चाणक्य ने अपना वो दांत तोड़ दिया जिसमें वो सांप बना हुआ था, द सिंबल ऑफ स्नेक, जिस कारण से एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला था कि ये या तो बहुत बड़े राजा या बहुत बड़े मिनिस्टर बनेंगे, तो चाणक्य ने वो दांत अपना तोड़ दिया। इससे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, इससे ये प्रूव हुआ कि चाणक्य को और कौटिल्य को कभी से राजा बनने की ग्रीड नहीं थी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम और राजा की, नहीं भाई मुझे बस राजा ही बनना है, मेरे को पावर चाहिए, ये कोई ग्रीड नहीं थी। तो इससे जब एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला, उनने अपना दांत तोड़ दिया, इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर वो चाहते यार मुझे तो राजा ही बनना है, मेरे अंदर तो वो ग्रीड ऑफ पावर है, अगर वो चीज होती तो वो अपना दांत नहीं तोड़ते। बट दिस इज जस्ट अ स्टोरी फॉर यू टू रिमेम्बर कि उन्होंने अपना दांत तोड़ा, एंड देन दिस प्रूव्स दैट ही डिड नॉट हैव एनी ग्रीड फॉर पावर। कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद,
देखा जाता है कि चाणक्य बिकेम अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ धनानंद, धनानंद के कोर्ट में वो मिनिस्टर बन जाते हैं। आई होप देयर इज नो डाउट इधर तक, टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। महेंद्र पुरुषपुर पुष्पुर, वन ऑफ द सेम थिंग। ओके ओके, सो देविक देविक द्विवेदी, मेंबरशिप का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा वहां पे, जस्ट चेक इट अगेन, वहां पे मेंबरशिप का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। ओके उज्मा, आई विल टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट अनाउंसमेंट के पहले ना मैं 2 दिन पहले बता दूंगी, ठीक है? मतलब लाइक अगर आज अनाउंसमेंट होगा तो मैं 2 दिन पहले बता दूंगी, सो दैट किसी ने देखा नहीं देखा, कोई सोया नहीं सोया, वो सारी चीजें हो जाए। ओके, इट्स जस्ट दैट डोंट गेट एंग्री विद मी बिकॉज आई डिडंट डू इट इंटेंशनली। ओके, देयर वाज नो इंटेंशन टू हर्ट एनीबडी। ओके, आर्ट एंड कल्चर कहाँ से कवर करना है? प्रिंस शर्मा, लेट्स डिस्कस दिस आफ्टर द क्लास, नहीं तो अभी धनानंद चंद्रगुप्त छूट जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो पीपल हु आर वॉचिंग द क्लास, प्लीज डू लाइक इट, वील कंटिन्यू नाउ। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अभी हमने किसकी स्टोरी देखी? चाणक्य की स्टोरी देखी, दैट ही डिड नॉट हैव एनी ग्रीड फॉर पावर, इसलिए उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया। ये एक स्टोरी है जो यूजुअली हिस्टोरियंस मेंशन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके अंदर कोई पावर को लेकर लालच नहीं था। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टोरी, द थर्ड पर्सन धनानंद। वी रेड इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हम धनानंद की बात कर रहे थे। तो धनानंद को हमने देखा कि वो बहुत ही धन के पीछे लालची थे। ही हैड अ ह्यूज ग्रीड फॉर वेल्थ, ही वॉन्टेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, बस पैसा 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 चाहिए था, ठीक है? जिस कारण से उनका टैक्सेशन सिस्टम काफी ऑप्रेसिव था, बस डरा के धमका के मार पीट के दबा के कुचला के जो भी करके टैक्स ले लेते थे, पैसे कलेक्ट कर लेते थे। एंड दैट पैसा, यूजुअली टैक्स का काम क्या होता है? टैक्स अगर आपसे लिया जा रहा है तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा स्पेंड होता है। बट धनानंद के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा था कि वो जितना भी टैक्स लेते थे वो सब कुछ अपनी सेल्फिशनेस, अपनी ग्रीड, अपने खुद के लिए सारा स्पेंड करते थे। ही वॉज जस्ट स्पेंडिंग एवरीथिंग ऑन हिमसेल्फ एंड ही डिड नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ही डिड नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब इसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? सो धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि यार ये तो हमसे ही पैसा लेके हमारे लिए ही काम नहीं कर रहा है, एंड ही इज कंटिन्यूसली स्पेंडिंग ऑन हिमसेल्फ और अपने ऊपर ही खर्च कर करके लैविश लाइफस्टाइल जी रहा है, तो जो जनता थी परेशान होने लगी। इट गॉट अनॉयड, इट गॉट फ्रस्ट्रेटेड। सो क्या हुआ? द पीपल ऑफ द सिटी, द टाउन, दे वेंट टू चाणक्य। वो चाणक्य के पास गए, चाणक्य को थोड़ा समझदार समझते थे, उनके पास गए, उनसे बोला कि आप प्लीज धनानंद को समझाओ यार, जस्ट एक्सप्लेन इट टू हिम, जस्ट एक्सप्लेन टू योर किंग, यू बींग अ मिनिस्टर यू मस्ट एक्सप्लेन इट टू द किंग दैट दिस इज नॉट हाउ थिंग्स गो, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स शुड गो। सो एज अ किंग, एज अ रूलर, उसकी एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये रिक्वेस्ट करी लोगों ने चाणक्य से। चाणक्य गए धनानंद के पास। अब चाणक्य मिनिस्टर थे तो ही हैड टू गो टू द किंग कि भाई लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग भी आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट थिंक ऑफ द पीपल। दिस एंगर्ड धनानंद। जिस इंसान के पास पावर है, एक्स्ट्रा पावर है, उसके दिमाग में गुस्सा है, उसके दिमाग में एंगर है, वो अपनी पावर को अपने अगर सेल्फिश मींस के लिए यूज कर रहा है, एंड इफ यू ट्राई टू टोको दैट पर्सन कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, नहीं दिक्कत आ जाएगी भाई वहां पे। सो व्हाट हैपेंड व्हेन धनानंद वेंट एंड व्हेन चाणक्य वेंट एंड सेड दिस टू धनानंद कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको सही कर लो। धनानंद गॉट रियली एंग्री एंड काफी ज्यादा एम्बेरस फील करा दिया चाणक्य को उनने। ही ह्यूमिलिएटेड चाणक्य आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ, मतलब ही गॉट सो एंग्री दैट ही किक्ड चाणक्य, और चाणक्य के चेस्ट पे लात मार के उनको ऐसे, वो दरबार वरबार इमेजिन कर लो, देखा होगा ना पिक्चरों में, बड़ा सा दरबार है, राजा बैठा हुआ है गद्दी में, मिनिस्टर चलता हुआ आ रहा है ऐसे, हाथ में कुछ शॉल वॉल लिए, एंड ही गोज टू द किंग एंड सेज समथिंग एंड द किंग इज लाइक गेटिंग एंग्री, और 4 सीढ़ियों से उसको धक्का दे दिया है लात मार के, एंड वो मिनिस्टर रोल होते हुए चला गया। सो दैट हैपेंड विद चाणक्य, ठीक है? दैट हैपेंड विद चाणक्य एंड चाणक्य फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड। एट दैट वेरी मोमेंट धनानंद आस्क्ड, धनानंद ने उस टाइम पे चाणक्य को बोला कि आप इसी टाइम एक काम करिए,
महल से तो निकल ही जाइए, इस किंगडम से भी निकल जाइए, जस्ट मूव आउट ऑफ दिस किंगडम, जस्ट लीव दिस किंगडम। एंड दैट इज वेन, उस टाइम पर आफ्टर गेटिंग ह्यूमिलिएटेड, चाणक्य डिसाइडेड एंड चाणक्य टुक अ वो, चाणक्य ने एक वहां पे वादा किया, किसको वादा किया, धनानंद को वादा किया कि तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक मैं पूरा का पूरा तुम्हारा एम्पायर नष्ट नहीं कर देता। सो चाणक्य सेड दिस टू धनानंद एंड ही प्रोमिस्ड कि इसके बाद जब तक वो धनानंद का किंगडम नष्ट नहीं कर देता तब तक ही वोंट सी हिम। ठीक है, इतनी स्टोरी समझ आई कि नहीं आई? समबडी, पीपल आर रियली अनॉयड विद मी, सी सो मेनी डिसलाइक्स फॉर टुडे, ओ माय गॉड। क्लास लेना ही बंद कर दूं क्या, डिसलाइक आने बंद हो जाएंगे? यस, सो काफी एकदम ड्रामेटिक सीन में चाणक्य को ह्यूमिलिएट किया गया, समझ में आ गया? महेंद्र को मस्ती सूझ रही है यहाँ पे। ठीक है, सो चाणक्य को लग गई, चाणक्य भी लाइक ओ मम्मी बहुत तेज मार दिया, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, एंड देन ही टुक अ वो एंड ही लेफ्ट द किंगडम। चाणक्य सिंपली लेफ्ट द किंगडम। आई होप इट्स कूल, यस इट्स कूल, इट्स सुपर कूल। ठीक है, सो चाणक्य लेफ्ट द किंगडम, उसके बाद क्या हुआ, ही रीच्ड तक्षशिला, किंगडम छोड़ के अपना अपना सामान वामान लेके वो पहुंच गए तक्षशिला। तक्षशिला में ही मेट अ बॉय जिसका नाम था चंदू। अभी चंद्रगुप्त मौर्य सीन में नहीं आए हैं, अभी चाणक्य कनेक्ट कर पा रहे हो तीन स्टोरीज, चाणक्य धनानंद से ह्यूमिलिएट होने के बाद, बुरा भला सुनने के बाद गोज टू तक्षशिला वेर ही मीट्स अ बॉय नेम्ड चंदू। चंदू मिल जाता है, चाणक्य फॉर सम रीजन वहां पे काफी सारे लड़कों में से चंदू को चुनते हैं एंड चंदू को ट्रेन करते हैं थोड़ा बहुत। अब ये वही टाइम है, दिस इज द सेम टाइम, दिस इज द सेम टाइम जब एलेक्जेंडर इन्वेड करने आ रहा था। दो क्लासेस पहले वी जस्ट सॉ हाउ एलेक्जेंडर वॉज रेडी एंड वॉज इन्वेडिंग इंडिया, जब उसकी आर्मी ने मना कर दिया कि मैं इन्वेड नहीं कर हम इन्वेड नहीं करेंगे। सो इट वॉज द सेम टाइम जब चंद्रगुप्त, जब चाणक्य आपके तक्षशिला पहुंचे और वहां उन्हें चंदू नाम का एक लड़का मिला, उसी टाइम पर एलेक्जेंडर इंडिया में इन्वेड कर रहा था। ठीक इसी टाइम के आसपास जब चंद्रगुप्त को यानी कि चंदू को चाणक्य ने ट्रेन किया, चाणक्य ऑल्सो सेड कि जाओ एलेक्जेंडर की आर्मी ज्वाइन करो। एलेक्जेंडर की आर्मी ज्वाइन करने क्यों बोला? इट इज बिकॉज एलेक्जेंडर वॉज द ग्रेट एलेक्जेंडर। ठीक है, उस टाइम पे अगर उसे द ग्रेट एलेक्जेंडर बोला जा रहा था, सो दैट वाज बिकॉज ऑफ अ रीजन, एक रीजन था उसके पीछे। एलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को कई सारी स्ट्रैटेजीज सिखाई थी, स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉरफेयर, बचना कैसे, मारना कैसे, ज्यादा टाइम तक वॉर में लड़ना कैसे, कई कई तरीके की स्ट्रैटेजीज सिखाई थी। सो चाणक्य वॉन्टेड चंदू यानी कि चंद्रगुप्त टू लर्न ऑल दीज स्ट्रैटेजीज। अब अकेले तो वहां लड़ अकेले तो वहां सीख नहीं पाते, और ना कि एक ब्राह्मण वहां पे, ब्राह्मण यानी कि चाणक्य उनको सिखा पाते। तो इसलिए चाणक्य ने ये कहा कि चंद्रगुप्त जाके आर्मी ज्वाइन करे एलेक्जेंडर की और वहां पे चीजें सीखे। ठीक है, सो चाणक्य गोज आई सॉरी चंद्रगुप्त गोज एंड ज्वाइन्स द आर्मी ऑफ एलेक्जेंडर। आई होप इतनी चीजें क्लियर हैं। अरे यार प्रवीण और अंकित तुम देख लो ना, यहाँ पे ऐसे बच्चे इतना डिसलाइक डिसलाइक और हेट करेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ यार, दिस इज नॉट, दिस इज रियली नॉट नाइस ना। आई ऑल्सो, मुझे एक टाइम के बाद मुझे भी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके यस, सौरभ चाणक्य वॉज द किंग मेकर, ही वॉज डेफिनेटली द किंग मेकर, बट हिस्ट्री में बताओ किंग मेकर्स किन को कहा जाता है? ओके सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे हमने देखा कि चंद्रगुप्त फाइनली गोज एंड ज्वाइंस द आर्मी ऑफ एलेक्जेंडर। अब भाई इस टाइम पे थोड़े टाइम तक यहाँ पे ये साथ में रहे, इनने जो भी वॉरफेयर की एक्टिविटीज वगैरह सीखी, फाइनली फॉर सम रीजन द आर्मी डिसाइड्स कि आगे नहीं जाना है, हमें घर वापस जाना है, नहीं हो पाएगा करके अब वापस जाना है। सो एलेक्जेंडर अलॉन्ग विद हिज आर्मी रिट्रीट्स एंड ये वापस पलट जाते हैं, दे डू नॉट एंटर इंडिया एंड दे डू नॉट ट्राई टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, बिकॉज द होम सिक सोल्जर्स दे वॉन्टेड टू गो बैक।
दे जस्ट वॉन्टेड टू गो बैक. ओके सो अब जब एलेक्जेंडर की आर्मी वापस जा रही थी, एलेक्जेंडर की आर्मी इन्वेड करने की जगह वापस जा रही थी, इस टाइम पे चाणक्य को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट महसूस हुआ कि द ग्रेट एलेक्जेंडर डिड नॉट इन्वेड, द ग्रेट एलेक्जेंडर डिड नॉट इन्वेड. ठीक है, तो चाणक्य थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए एंड ही एंड चंद्रगुप्त डिसाइडेड टू इन्वेड. इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम पाटलिपुत्र पे अटैक कर देंगे, और इन्होंने सीधे जाके बिना प्रॉपर प्लानिंग के, बिना समझदारी से, बिना ज्यादा सूझबूझ के सीधे पाटलिपुत्र पे अटैक कर दिया. यार भाई, कोई वॉर लड़ने जा रहे हो, किसी एम्पायर से लड़ने जा रहे हो, किसी राजा से लड़ने जा रहे हो, कुछ सोच समझ के तो जाओ, बिना प्लानिंग के तलवार उठा के चल दिए तुम. नहीं, सो जो होना था वही हुआ, बिकॉज दे वेंट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, बिकॉज दे वेंट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, दे लॉस्ट. सो चाणक्य एंड चंद्रगुप्त लॉस्ट दिस वॉर एंड धनानंद वन. ठीक है, धनानंद फाइनली जीत गए. अब क्या हुआ, चाणक्य जब इस वॉर के बाद एक अगल बगल वाली विलेज में, गांव में घूम रहे थे, तो वहां पे उन्होंने एक माँ और एक बेटे के कॉन्वर्सेशन को सुना. ठीक है, दे डिड नो, वो माँ बेटे को नहीं पता था कि चाणक्य वहीं खड़े हुए हैं. ही जस्ट ओवर हर्ड दैट कॉन्वर्सेशन थोड़ा दूर से. तो बेसिकली एक माँ ने अपने अपने बेटे के लिए खिचड़ी खिचड़ी बनाई थी खाने में, और थाली में रखी हुई थी. उस बच्चे ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे खिचड़ी में हाथ डाल लिया और अपनी उंगलियां जला ली. टू विच द मदर एक्सप्लेन्स टू द सन कि ये तो तुमने उतनी ही बेवकूफी का काम किया है जितना बेवकूफी का काम चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने किया था. भाई क्यों? बिकॉज तुमने खिचड़ी में सीधे बीच में हाथ डाल लिया है, विच बर्न्ट योर फिंगर्स. वेन एवर यू आर ईटिंग, साइड से खाने की कोशिश करो, साइड से खिचड़ी खाओगे तो गर्म नहीं लगेगी. दैट्स व्हाट द मदर वाज एक्सप्लेनिंग टू द सन. और चाणक्य ने यही चीज समझी कि भाई अगर मुझे एम्पायर पे अटैक करना है, इफ आई हैव टू विन द एम्पायर, मुझे धीरे धीरे अपना एम्पायर बढ़ाना होगा. मैं सीधे जाके बीच पाटलिपुत्र में अटैक नहीं कर सकता, अदरवाइज आई विल लूज. राइट, सो इसलिए जब मैं तुम्हें एक लेक्चर में समझा रही थी, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सा लेक्चर था वो, तो एक अगर एम्पायर है, आई गेस महाजनपद वाला. सो महाजनपद वाले एम्पायर लेक्चर में जब मैं तुम्हें समझा रही थी, तो ये अगर एम्पायर है और अगर यहाँ से एक्सपैंड करना है, तो अपने बगल वाला ही एम्पायर तो लेंगे ना, कम्बोज तो नहीं पहुंच जाएंगे सीधे अटैक करने. सो धीरे धीरे आप अपना एम्पायर स्प्रेड करते हो. तो चाणक्य ने ये बात सुनी उस मदर और बेटे के कॉन्वर्सेशन की, एंड देन ही रियलाइज कि ओ गलती कहाँ हुई है. ठीक है, देन ही रियलाइज कि गलती कहाँ हुई है. इसके बाद अपनी गलती को सुधारते हुए फाइनली चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिफीट कर दिया, हरा दिया धनानंद को. धनानंद को फाइनली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हरा दिया गया. बताओ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ ऐसी चीज जो नहीं समझ आई यहां तक, स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? जस्ट अ सेकेंड. या, वी ऑल, यू ऑल आर द चंद्रगुप्त एंड आई एम चाणक्य हियर, बट दीज आर वेरी वेरी बिग टाइटल्स फॉर ऑल ऑफ अस. बट ठीक है, तुम लोग डेफिनेटली चंद्रगुप्त बनो, दिस इज ऑल आई वॉन्ट. सो लेट अस फोकस ऑन द क्लास, क्योंकि अब चंद्रगुप्त बनना है. ओके, चलो. तो अब देखो, ये एक स्टोरी खत्म हुई, इतनी चीजें समझ में आई, ऑल कूल, यस, वेरी गुड. किंग मेकर, किंग एंड क्वीन मेकर हो गई मैं. चलो ठीक है, वेरी गुड. ये कॉन्फिडेंस, ये पॉजिटिविटी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट विल मेक यू ऑल, जितने भी 400, 500, 600 बच्चे यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं या देखोगे, वट एवर, ये तुम लोगों को अलग बनाएगा. क्योंकि पॉजिटिविटी, देखो, पढ़ाना तो सबने सेम है, किताब वही है, हिस्ट्री वही है, लोग वही है, चंद्रगुप्त मौर्य वही है, चाणक्य वही है, नथिंग इज अलग. ठीक है, इट्स जस्ट द वे आई टीच एंड इट्स जस्ट द वे यू टेक. अपार्ट फ्रॉम इट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्फिडेंस है और पॉजिटिविटी है. ये दो चीजें अगर हो गई, तो मैं हमेशा बोलती हूँ आधी रेस जीत ली. ओके, चैनल शुड बी नेम चाणक्य साथ साथ. नहीं, चाणक्य साथ साथ नहीं. सो इट्स जस्ट कि कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी. ठीक है, ग्रुप में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. देर आर एट टाइम्स स्टूडेंट्स और पीपल हु आर लाइक दिस डूइंग दिस,
लाइक मेकिंग अजीब अजीब से फेसेस. आई एम लाइक, अरे क्यों भाई, सामने वाले को मोटिवेट करो, सामने वाले को एनकरेज करो. तुम अगर थोड़ा सा ज्यादा जानते हो तो उसको भी अपने तक लेकर आओ, तो तुम्हें कोई ऊपर खींचेगा. दैट्स हाउ यू डू इट, राइट? ठीक है. सो पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना. ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, बट देन पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस अगर है तो हाफ द रेस हैज ऑलरेडी बीन वन. अब आ गई बारी निकेटर की. एलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा था, एलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा था. एलेक्जेंडर की आर्मी ने बोला ना हो पाएगा, एलेक्जेंडर वापस चला गया. एलेक्जेंडर जब वापस जा रहा था, एलेक्जेंडर की डेथ हो गई. एट दैट टाइम देयर वॉज बिटवीन द जनरल्स ऑफ एलेक्जेंडर. एलेक्जेंडर के जनरल्स आपस में लड़ते हैं, और उन जनरल्स में एक जनरल होता है सेल्यूकस निकेटर, जिसको सबसे ज्यादा एम्पायर मिल जाता है, जिसको सबसे ज्यादा एम्पायर मिल जाता है. सो वी सी दैट इट वॉज निकेटर हु विन्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ एलेक्जेंडर. अब भाई एलेक्जेंडर तो वापस जा रहा था, बट निकेटर ने सोचा कि यार क्यों ना इन्वेड किया जाए, क्यों ना इन्वेड किया जाए. सो निकेटर फाइनली डिसाइड्स कि भाई देखो काफी टाइम गुजर गया है एलेक्जेंडर के वापस जाने में, ठीक है, उनकी डेथ होने में, सारे गवर्नर्स के बीच में लड़ाई होने में, निकेटर के फाइनली जीतने में और डिसाइड करने में कि अब मैं वापस जाऊंगा इन्वेड करने. ये एक दिन में नहीं हो रहा है, आई होप यू आर गेटिंग इट. सो ही डिसाइड्स फाइनली टू गो बैक टू इंडिया एंड इन्वेड इंडिया. ठीक है, ही डिसाइड्स टू अटैक एंड विन ओवर इंडिया. भाई इस टाइम तक चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ही वॉज रूलिंग नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जहां से यूजुअली इन्वेड किया जाता है, जहां से यूजुअली फॉरेनर्स ने, हमने पूरी हिस्ट्री में देखा है, दे हैव इन्वेडेड इंडिया. इस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य वॉज वेरी स्ट्रांग इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. और यहाँ पे जब निकेटर डिसाइड करता है एंड निकेटर फाइनली इन्वेड्स इन इंडिया, तो निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, एंड सो निकेटर लूजेस, निकेटर लूजेस, निकेटर हार जाता है एंड अ ट्रीटी इज साइंड. एंड अ ट्रीटी इज साइंड. दिस ट्रीटी, ये जो ट्रीटी है बेसिकली, ये निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में साइन होती है. अब ये ट्रीटी क्या है उसके पहले बताओ, इतना समझ आया अलेक्जेंडर कैसे आया, कैसे गया, निकेटर कहाँ से इन्वेड किया? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग इट? ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ट्रीटी, तो इस ट्रीटी में भाई क्या हुआ, निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में जो ये ट्रीटी थी, इसमें निकेटर हार गया. सो निकेटर, कोई भी राजा हारता है तो उसको अपनी कोई ना कोई टेरिटरी देनी पड़ती है, या तो किसी बेटी से अपने राजा की शादी करवानी पड़ती थी. हिस्ट्री में हम यही देखते आ रहे हैं. सो व्हेन निकेटर लूजेस, निकेटर हैड टू सरेंडर चार एरियाज. व्हाट वर दीज फोर एरियाज? काबुल, कंदाहर, हेरत और बलूचिस्तान. ये चार एरियाज थे विच निकेटर हैड टू सरेंडर टू चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक, काबुल कंदाहर एरिया जानते ही हो, तो ये वही आसपास के एरिया थे विच निकेटर हैड टू सरेंडर. इसके बाद निकेटर की एक डॉटर थी हेलिना, हेलिना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी गई. सो ये दो चीजें होती हैं उस ट्रीटी में. एंड वॉट द थर्ड थिंग इज दैट चंद्रगुप्त मौर्य हैज टू गिव 500 एलिफेंट्स टू निकेटर. 500 एलिफेंट्स चंद्रगुप्त निकेटर को दे देता है, और बदले में निकेटर अपने चार बड़े बड़े एरियाज चंद्रगुप्त को देकर हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है. सो फाइनली आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सी ट्रीटी थी एंड उस ट्रीटी के क्या क्या टर्म्स थे. ओके, आई होप इतनी चीज क्लियर है. दिस इज कूल, लेट्स मूव अहेड. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, प्लीज डू लाइक द सेशन. ठीक है, ओके. सो अब भाई देखो, ट्रीटी तो साइन हो गई, द ट्रीटी गॉट साइंड बिटवीन निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य. इसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल पाटलिपुत्र थी. पाटलिपुत्र का एरिया पता है कहाँ है?
सो पाटलिपुत्र एरिया थी। अब मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट अफगानिस्तान के काबुल बलूचिस्तान वाले एरिया की। इतने बड़े एम्पायर में एक राजा एक साथ कैसे रूल कर सकता है, और जबकि उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र है। सो वाइल ही मूव्स बैक टू पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र में वापस जाते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पाटलिपुत्र से बैठे बैठे काबुल, कंदाहर, बलूचिस्तान, हेरत को रूल नहीं कर सकते। तो व्हाट डज ही डू? चंद्रगुप्त फाइनली डिसाइड्स कि ही अपॉइंट्स अ गवर्नर, एक गवर्नर को वहां नॉर्थ में वो लगा देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं कि भाई पुष्यगुप्त नाम के एक गवर्नर थे, पुष्यगुप्त नाम के एक गवर्नर थे जिनको वो अपॉइंट कर देते हैं इन दी फोर रीजन्स ऑफ बलूचिस्तान, कंदाहर, काबुल एंड हेरत। ये चार रीजन के लिए वो पुष्यगुप्त को अपॉइंट कर देते हैं। आई होप इतनी चीज क्लियर है। एंड पुष्यगुप्त को अपॉइंट करके ही रिटर्न्स बैक टू पाटलिपुत्र। इतनी चीज क्लियर है तो कूल करो, इतनी चीज क्लियर है तो कूल करो, वी विल मूव अहेड। ओके परफेक्ट, इट्स कूल, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, सो अब देखो क्या होता है। व्हाट हैपेंस इज इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कि फाइनली एक फेमीन आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। ये वही सूखा है बच्चों, ये वही सूखा है जो हमने पहले देखा है। कहाँ देखा है भाई, ये देखो। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, एक फेमीन आ जाता है जिसके बाद अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडर भद्रबाहु डिसाइड्स टू मूव टू साउथ। ये जैनिज्म में पढ़ा है हमने, श्वेतांबर और दिगंबर। एक ग्रुप ऑफ पीपल गोज टू द साउथ, एक ग्रुप ऑफ पीपल स्टेज वहीं पर फेमीन आने पर, और ये जो ग्रुप साउथ में चला जाता है, ये जो ग्रुप साउथ में चला जाता है, दक्षिण की तरफ चला जाता है, इस ग्रुप के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चल देते हैं कि भाई मैं भी चलूंगा। तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब ये जाते हैं तो ये जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जैन बन जाते हैं, ये अपना धर्म जैनिज्म कर लेते हैं। एंड जब ये साउथ में चले जाते हैं तो उनके एम्पायर का क्या होगा, ऊपर जो इतना बड़ा एम्पायर बनाया था उसका क्या होगा? सो ही गिव्स हिज एम्पायर टू हिज सन, बिंदुसार को ये एम्पायर दे देते हैं। ये जो स्प्लिट हो गया था, सो दिस स्प्लिट इन जैनिज्म, दिस अकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आई होप इतनी चीज क्लियर है। दिस स्प्लिट अकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त, क्योंकि इस टाइम पे एक फेमीन आता है, वहां से साउथ की तरफ चले जाते हैं ये लोग, दिस ग्रुप ऑफ पीपल भद्रबाहु के अंदर, और इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी साउथ में चले जाते हैं और इनका एम्पायर इनके बेटे बिंदुसार के पास आ जाता है। चीज समझ आई? आई होप इतनी चीज क्लियर है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य को ही पढ़ना है डिटेल में, आज चंद्रगुप्त मौर्य तक ही पढ़ेंगे, बिकॉज ही इज सपोज टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट किंग। ऑल्सो पीपल हु आर न्यू टू दिस चैनल, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। जो भी पहली बार आए हो प्लीज बता दो कि आप पहली बार आए हो, सो दैट आई गेट टू नो कि कौन कौन से नए बच्चे हैं। दूसरी चीज, जो लोग पहली बार देख रहे हो उनके लिए दिस इज द टेलीग्राम चैनल, प्लीज ज्वाइन इट फॉर द PDF एंड ऑल्सो फॉर द नोटिफिकेशंस, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना करें। एंड प्लीज अपना टेलीग्राम रेगुलरली चेक करते रहिए। ओके भास्कर यार, तुम्हारे बहुत सवाल होते हैं, तुम क्लास छोड़ के सब कर लेते हो ना। पढ़ लो भैया, पढ़ लो। मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो जाएगा उससे? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं खाली बैठी हूँ लाइफ में। आई डू नॉट हैव एनी वर्क, कोई काम नहीं। बस तुम बहुत सवाल करते हो यार। आई गेट इट, एक स्टूडेंट को सवाल करने चाहिए, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड पूछ लो यार। हाय वर्षा, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास, आई होप यू आर लाइकिंग इट एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन कमेंट कर दो, या मेल कर लो, या पूछ लो, या यहीं पर पूछ लो, वट एवर इट इज। ओके हाँ ओके, महेंद्र को पिटाई पड़ने वाली है अब। ओके सो नाउ वी मूव टू मोर डिटेल्स रिगार्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य। ओके अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो ये दो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको यहां देखो। ग्रीक और लैटिन में, ग्रीक और लैटिन में
चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटोस और एंड्रोकोटोस बोला जाता था, ठीक है? सो एनी लिटरेचर, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी. ओके, सो या सो ग्रीक और लैटिन में इनको सैंड्रोकोटोस और एंड्रोकोटोस बोला जाता था. तो चंद्रगुप्त मौर्य, कभी भी आपसे पूछा जाता है कि ये दो टर्म किसके लिए यूज होते हैं, सो ये ग्रीक और लैटिन में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज होते हैं. दूसरी चीज, इनके टाइम पे एम्बेसडर कौन थे? हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर? क्वेश्चन आता है आता है आता है. हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? इट वॉज मेगेस्थिनीज हु रोट द बुक इंडिका. अब याद आया, अब कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? हम रट लेते हैं, सब सब ल्यूसेंट पढ़ के रट लेंगे. मेगेस्थिनीज ने इंडिका लिखी थी. भाई मेगेस्थिनीज ने इंडिका लिखी तो क्यों लिखी, किसके कोर्ट में आके लिखी? इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. क्यों भाई यहाँ पे ग्रीक एम्बेसडर क्यों आया? एलेक्जेंडर था ना, तो एलेक्जेंडर के पीछे पीछे काफी ग्रीक्स आ गए थे. तो यहाँ पे एलेक्जेंडर के जाने के बाद जब चंद्रगुप्त का एम्पायर बचा था, तो चंद्रगुप्त के कोर्ट में देयर केम अ ग्रीक एम्बेसडर हु वॉज मेगेस्थिनीज, एंड इट वॉज दिस पर्सन हु रोट द बुक इंडिका. इट वॉज दिस बुक, दिस पर्सन हु रोट द बुक इंडिका. अब भाई यहाँ पे काम की चीज देखो और चंद्रगुप्त को खत्म करो. कैप्चर्ड पाटलिपुत्र धनानंद से, धनानंद को हराकर पाटलिपुत्र को जीता, ये तो अभी पूरी स्टोरी हम देख चुके हैं, ठीक है? अब इस टास्क में, इट वॉज दिस टास्क, धनानंद को हराने के टास्क में ही वॉज असिस्टेड बाय कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त. मतलब इस कार्य को करने के लिए, किस कार्य को करने के लिए भैया? धनानंद को हराने के लिए, नंद डायनेस्टी को खत्म करने के लिए और मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किसने दिया? इट वॉज चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं. ओके, नाउ हियर कम्स वन वन बुक विच इज इंपॉर्टेंट. मुद्रा राक्षस की बात करते हैं बाय विशाख दत्त. इस किताब में, इस लिटरेचर में क्या है? इसमें बताया जाता है प्लॉट ऑफ चाणक्य. चाणक्य का क्या प्लॉट था, क्या रणनीति थी अगेंस्ट चंद्रगुप्त के दुश्मन, चंद्रगुप्त के एनिमीज, चंद्रगुप्त के दुश्मनों के अगेंस्ट व्हाट वाज द नीति दैट वाज टू बी फॉलोड बाय चंद्रगुप्त और चाणक्य, ये इस किताब में मेंशन्ड है. आई होप इतनी चीजें क्लियर है. ऑल्सो इट इज बिलीव दैट ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर. चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा कि एक ट्रीटी साइन हुई, एक ट्रीटी जो कि वन साइडेड ट्रीटी थी, जिसमें 500 एलिफेंट दे दिए थे और उसके अगेंस्ट चार बड़े बड़े रीजन ले लिए थे. दिस डेफिनेटली मीन्स कि ये ट्रीटी में चंद्रगुप्त एक विजेता थे. तो चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, ये चीज दी गई है. इसके बाद सेल्यूकस ने भेजा था मेगेस्थिनीज को, मेगेस्थिनीज ने लिखी इंडिका, और ये जो इंडिका है ये भी पूछा जा सकता है इस बुक इंडिका में क्या मेंशन्ड है, व्हाट इज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन दिस बुक. दिस बुक मेंशन्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट सोसाइटी, अबाउट इकोनमी. सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी, किसकी, मौर्यास के टाइम पे क्या हाल था आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, सोसाइटी का और या फिर इकोनॉमी का, ये इस बुक में मेंशन्ड है, ये इस बुक में मेंशन्ड है. इसके बाद आई टोल्ड यू दैट ही एम्ब्रेस्ड जैनिज्म, ही वॉज अ हिंदू, ही वॉज इनिशियली अ हिंदू, हिंदुइज्म फॉलो करते थे, बट देन लेटर ही टर्न्ड टू बिकम अ जैन मॉन्क, ठीक है, ही टर्न्ड टू बी अ जैन. इसके बाद यहाँ पे वही चीज दी गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य वेंट टू श्रवण बेलगोला, किसके साथ, भद्रबाहु के साथ, और ये लोग लेटर वही थे जो दिगंबर बन गए, क्योंकि श्वेतांबर वही थे जो ऊपर नॉर्थ में, जिनने स्टे किया था, हु डिड नॉट मूव साउथ, जो दक्षिण की ओर नहीं आए थे. आई होप इतनी चीजें क्लियर हैं, इतनी चीजें क्लियर हैं तो हाँ करो, आगे बढ़ते हैं. थैंक यू वर्षा, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस एज वेल. ओ अर्चना ऑल्सो, अर्चना चीजें समझ आ रही हैं, वेलकम टू द क्लास. सौरभ यू जस्ट एंग्री एट समबडी एंड एक और डिसलाइक बढ़ गया मेरा तुम्हारे कारण.
ऑल्सो यू दादी माँ की कहानियां जैसी लग रही है। ठीक है भैया, दादी माँ की कहानियां जैसे लग रही है, थैंक यू सो मच। और रात को भी होती है तुम लोग के सोने के जस्ट पहले, तो दादी माँ की कहानियां हो गई। नाउ वील टॉक अबाउट द इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइम का, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा सा एम्पायर था, बड़े से एम्पायर के अंदर छोटे छोटे प्रोविंसेस थे और उसके अंदर छोटे छोटे और प्रोविंसेस थे, वैसे जैसे इंडिया, इंडिया के अंदर एमपी, एमपी के अंदर छोटे छोटे जिले, दैट्स इट। ठीक है, अब भाई एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पाटलिपुत्र कैपिटल थी। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, देखो हमारे यहाँ भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इंडिया में, मान लेते हैं, तो वी हैव मिनिस्ट्रीज असाइंड, अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। वैसे ही अगर किसी भी जगह का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो कुछ कमिटीज होंगी, कुछ ग्रुप्स होंगे, कुछ मिनिस्ट्रीज होंगी। तो पाटलिपुत्र के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्र यानी कि मौर्यास के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 6 कमिटीज चलाती थी, 6 लिखा है, ओके, 6 कमिटीज चलाती थी। और हर एक कमिटी में 5 मेंबर थे, हर एक कमिटी में 5 मेंबर थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर 6 कमिटीज, एंड ये 6 कमिटीज जो थी, दीज वर एवरी कमिटी हैड 5 मेंबर्स। ये चीज याद रखनी है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वॉज या तो फॉर सैनिटेशन, या क्या बर्थ और डेथ, कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, वहां पे वेट्स एंड मेजर्स क्या रखने हैं, कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसके देखभाल के लिए या उससे रिलेटेड किसी चीजों के लिए, या फिर सोशल चीजों के रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपकी अलग अलग कमिटीज थी। ओके, सो वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज एम्पायर। एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड अ प्रोविंसेस हैड स्टिल स्मॉलर यूनिट्स। इसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 6 कमिटी, हर कमिटी के अंदर 5 लोग। दिस इज वॉट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं आर्मी की। इसके बाद वील टॉक अबाउट आर्मी। तो यहाँ पे जो आर्मी थी, आर्मी में हम देखते हैं अलग अलग विंग्स होती हैं हमारी अभी। ठीक है, प्रेजेंटली वी हैव दी आपका नेवी, एयर फोर्स वगैरह वगैरह। तो अगर हम यहाँ पे आर्मी की बात कर रहे हैं तो इट इज मैनेज बाय 6 कमिटीज। अगेन, आर्मी के अंदर भी 6 कमिटी और हर कमिटी के अंदर 5 मेंबर्स। और ये जो 6 कमिटी हैं, ये बेसिकली 6 विंग्स हैं आर्मी की, आर्मी, नेवी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये 6 विंग्स यहाँ पर दी गई हैं। ये जो है, ये फिर से 6 विंग्स और हर विंग के अंदर 5 मेंबर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो लीड कर रहे हैं। अब ये नहीं कि पूरी जो नेवी है उसमें 5 ही लोग हैं, भाई कमिटी जो है उसमें 5 लोग हैं। एवरी कमिटी हैज 5 मेंबर्स ईच। इसके बाद आर्मी जो थी, आर्मी को लीड करने वाला सेनापति था। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सेनापति है। एंड ईच विंग इज अंडर एन अध्यक्ष, हर विंग के इज अंडर एन अध्यक्ष। इनकी जो सैलरी है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके चेंज हो जाएगा इसलिए। तो मौर्यास के टाइम पे जो आर्मी थी, दी आर्मी वॉज पेड इन कैश, इट वॉज पेड इन कैश। अब भाई और इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे, अनदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट हियर इज आर्मी की स्ट्रेंथ बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ नंदाज। तुम ये सोचो कि एलेक्जेंडर जब इन्वेड करने वाला था तो एलेक्जेंडर की आर्मी डर गई थी, बिकॉज नंद रूलर वहां पे आपके गंगा रीजन में रूल कर रहे थे, पाटलिपुत्र साइड पे। तो एलेक्जेंडर की आर्मी डर गई थी कि नंद रूलर्स की आर्मी इतनी स्ट्रांग है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मौर्यन आर्मी वॉज ऑल्सो 3, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी 3 टाइम्स थी नंद आर्मी के। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, राइट? एंड यही कारण है कि आर्मी इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर 6 विंग्स थे, 6 विंग्स में 6 कमिटीज, हर कमिटी को 5 मेंबर्स चला रहे थे। दिस वॉज द स्ट्रेंथ एंड द कैपेसिटी ऑफ द आर्मी विच चंद्रगुप्त मौर्य हैड। आई होप ये चीज समझ आ रही है। नाउ बिफोर वी कंप्लीट द चैप्टर, वी हैव दिस वन लास्ट टॉपिक इज कि ये आर्मी को मेंटेन किया कैसे जाता था, हाउ वाज दिस आर्मी मेंटेन्ड। तो भाई हर हर आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोई भी सिस्टम को साउंड तरीके से चलाने के लिए, यू नीड टू हैड पैसा, यू नीड टू हैव पैसा। तो पैसा आना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आर्मी अगर इतने अच्छे से मेंटेन थी तो ही हैड अ साउंड फाइनेंशियल बेस।
ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जो चंद्रगुप्त मौर्य कंट्रोल करके रखा था. द किंग वॉज कंट्रोलिंग. ओके, स्टेट कंट्रोल्ड, यहाँ पे जो स्टेट था इट कंट्रोल्ड मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. माइनिंग, लिकर और आर्म्स में मोनोपोली थी. मोनोपोली जानते हो, मोनोपोली को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई हिंदी वाला लिख सकता है तो प्लीज बता दो. मोनोपोली थी माइनिंग, लिकर और आर्म्स में. जिस चीज में मोनोपोली है, अगर स्टेट की मोनोपोली है, मतलब सारा पैसा स्टेट को ही जा रहा है, तो स्टेट यानी कि वहां पे द किंग अर्न द मैक्सिमम रिवेन्यू इन सारी चीजों से. इसके बाद टैक्सेस, इसके बाद जिन लोगों को इरिगेशन दिया जाता था उसके लिए भी पैसे लिए जाते थे. बट यहाँ पे नंद आर्मी जैसा हाल नहीं था कि भाई लोगों को उनका वेलफेयर ही नहीं दिख रहा है. हियर इफ दी किंग टुक अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ टैक्सेस, देन उनको रिटर्न में ये भी दिख रहा था दैट द किंग वॉज वर्किंग फॉर द पीपल. द किंग वॉज एक्चुअली बेनिफिटिंग पीपल. जो राजा था वो लोगों के हित में काम कर रहा था. ये सारी चीजें उनको, अपनी प्रजा को दिख रही थी. एंड दैट इज द रीजन कि चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर इतना बड़ा था और आर्मी इतनी स्टेबल थी और लोग उनसे खुश थे. ओके, सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य. एकाधिकार, ओ यस, एकाधिकार. मोनोपोली इज एकाधिकार. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य. इट्स टाइम नाउ, आई थिंक 50 मिनट हो चुके हैं. सो वील कंटिन्यू विद द मौर्यन डायनेस्टी टुमारो. आई थिंक तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं. जिसको नहीं समझ में आई हैं वो या तो अभी पूछ लो, या अगर कमेंट्स स्लो आ रहे हैं तो मेल करके पूछ लेना, या डिस्कशन ग्रुप आई विल ओपन आफ्टर सम टाइम, मे बी 10-15 मिनट बाद. देन यू कैन डिस्कस देयर एंड आपस में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. जाने के पहले सेशन लाइक कर देना प्लीज, क्योंकि डिसलाइक वाले तो डिसलाइक करके चले गए हैं. तुम लोग लाइक कर देना जाने के पहले. एंड ओके, जस्ट अ सेकेंड. राज इज आस्किंग, आप कैसे इतनी मोटिवेटेड रहती हैं? व्हाई डू आई हैव टू बी डीमोटिवेटेड? मतलब डीमोटिवेट होने का भी तो कोई रीजन होना चाहिए ना. क्या रीजन हूं मैं डीमोटिवेट होने का, बताओ. डॉली वील डिस्कस दिस एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन. अभी मॉरन खत्म होने दो, फिर मैं डिटेल में बात करेंगे इस बारे में. ओके, नाउ प्लीज टेल मी अबाउट आर्ट एंड कल्चर. क्या क्वेश्चन था तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर का, एक बार और लिख दो जल्दी से. थैंक यू राज, मीनाक्षी, आरती, एवरीबडी, थैंक यू सो मच. दिल्ली 2019 सिलेबस एक बार खत्म तो होने दो. मौर्य, तुम मौर्य का एम्पायर अभी देखे नहीं हो, तुम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे कर रहे हो? अभी थोड़ा सा सब्र कर लो. हाँ, हेलेना एंड कार्नेलिया आर द सेम. भास्कर क्या रीजन होते हैं बताओ ना, बहुत रीजन. क्या डीमोटिवेट होने के लिए? अननेसेसरी थॉट्स. देखो, अननेसेसरी थॉट्स तब आएंगे डीमोटिवेट होने के लिए जब तुम खाली बैठे रहोगे. इफ यू आर ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द डे, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, इफ यू कीप योर सेल्फ बिजी. देखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, राइट? तो अगर खाली बैठोगे तो दिमाग आलतू फालतू चीजों में लगेगा. फिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की भी याद दिलाएगा, एक्स गर्लफ्रेंड की भी याद दिलाएगा, फिर पढ़ाई नहीं हो रही है भी याद दिलाएगा, जॉब नहीं लग रही है भी याद दिलाएगा. सो इफ इट्स खाली, इफ यू आर खाली, देन चीजें दिक्कत देंगी. कि अपने आप को खाली मत रखो, कीप योर सेल्फ बिजी, बिजी बिजी बिजी, ऑलवेज बिजी. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल सोने जाना हो, ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ, या यू यू थिंक कि भाई अब रेस्ट लेने से मुझे आलतू फालतू की चीजें दिमाग में नहीं आएंगी. एंड अगर अपने आप को बिजी रखोगे एंड एट द एंड ऑफ द डे यूल गो टू योर बेड एंड यूल लाइक अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो दिमाग चलेगा ही नहीं, बिकॉज दिमाग इतना थक चुका होगा. काजल, आई हैव नॉट डिसाइडेड फॉर अ क्लास टाइमिंग एज सच, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप बाय द नेम नॉलेज आर. क्योंकि अभी तक मेरा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, बट मैं क्लासेस डेली ले लेती हूँ. यूजुअली वो 8 बजे के बाद ही होती हैं. ठीक है, और अगर नहीं मिले तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बता देना, आई विल सेंड यू द लिंक. सारा कुछ कर ले या नितिन संघानिया कर ले, क्या नितिन सिंघानिया को? सी, नितिन सिंघानिया इज वेरी ह्यूज, वेरी 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 ह्यूज. ओके, सो
नितिन सिंघानिया का सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट, उसको करो। नितिन सिंघानिया तुम पूरी पढ़ लो, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, ठीक है? तो बी स्मार्ट, रीड द टॉपिक्स विच आर नेसेसरी, डोंट गो फॉर कवर टू कवर रीडिंग। अगर अदरवाइज मैं तो 10 बुक बता दूंगी, तुम 10 बुक पढ़ते रहो, PhD कर लोगे, तुम्हें कुछ नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स रीड करो, सारे के सारे नितिन सिंघानिया से पढ़ने मत बैठो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और साल भर नितिन सिंघानिया ही पढ़ते रहोगे। एग्जाम में आना उसमें से इतना है वो बुक इतनी बड़ी। सो डोंट गो फॉर लाइक कवर टू कवर रीडिंग, रीड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं जाके तुम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप खोल रही हूँ। डू डू डिस्कस वट एवर डाउट्स यू हैव, दिस इज फ्रॉम माई साइड। इट्स ऑलरेडी लेट, काफी लंबी क्लास हो गई। थैंक यू सो मच एंड सी यू।